तो जैसे भारत की बात है, उससे अधिक महत्वपूर्ण बात ब्रह्मा की है कि ब्रह्मा कौन है। जब आपको ये याद रहेगा कि उसने मुझे कुमारी के नाम से एक्सेप्ट किया है, मैं उसकी कुमारी हूं, तो तब से आपके संस्कार इतने जल्दी तेज रफ्तारी से बदलेंगे कि बात मत पूछिए। आपके मन में एक कुमारी होगी, खुशी होगी। ब्रह्मा कुमारी तो आप हैं, ब्रह्मा कुमारी और हो जाएगी, कुमारी के साथ कुमारी भी हो जाएगी। कुमारी समझते हैं ना, नशा जिसको कहा जाए, वो थोड़ा सा रहेगा कि भाई मैं ब्रह्मा जो इतने बड़े महान हैं, उसकी मैं संतान हूं, उसकी मैं कुमारी हूं। तो वर्षा शिव बाबा से भी लेना है, वर्षा ब्रह्मा बाबा से भी लेना है, और वर्षा पिता के रूप से भी लेना है, शिक्षक के रूप से भी लेना है, सदगुरु के रूप से भी लेना है। अब आप ये सोचिए कि पिता के रूप से वर्षा कैसे मिलता है, शिक्षक के रूप से कैसे, और सदगुरु के रूप से कैसे। पूरा वर्षा जब आप लेने की कोशिश करते हैं, मिसाल के तौर से टीचर है, आप ये देखिए टीचर से पूरा वर्षा कौन लेता है। पहली बात यह है कि जो रोज क्लास में जाता है, अगर कोई स्टूडेंट क्लास में एब्सेंट रहता है, टीचर से देर से क्लास में आता है, हैं? और जो होम टास्क उसको मिलता है, होमवर्क कि ये घर से काम करके लाना, कल दिखाना मुझे, होमवर्क जो नहीं करता है, जो रिवाइज नहीं करता है, जो प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता है, जो परीक्षा में फेल होता है, क्या वो शिक्षक का वर्षा ले सकता है? तो शिक्षक का वर्षा कौन ले सकता है? जो पहले रेगुलर हो अटेंडेंस में, अटेंशन हो पूरी स्टूडेंट लाइफ पर, मैं स्टूडेंट हूं। और सबसे पहली बात तो ये टीचर प्यूपल रिलेशनशिप, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, जो शिक्षक और शिक्षार्थी, जो विद्यार्थी है, उसका संबंध कैसा होना चाहिए। जब क्लास में वो बैठता है, ये जो अदब है, आप देखिए कई लोग बैठते हैं बाबा के सामने, बैठते हैं बाबा के चित्र के सामने, या शिव बाबा आए हुए होते हैं उनके सामने, ऐसे टांगे करके बैठ जाते हैं। देखिए ये विदेश की कुछ बातें हैं, बूट पहन के, चप्पल पहन के, और इस तरह से बैठ जाते हैं सामने पांव करके। अब हम बाप के बच्चे हैं, बच्चे अगर बाप के सामने कैसे भी बैठ जाते हैं तो बाप परवाह नहीं करता, वो समझता है बच्चा है, इसको जैसे सहूलियत है बैठने में, कोई बात नहीं बैठ जाओ। अगर उसकी टांगों में कोई तकलीफ है और वो टांगे फैलाने में संकोच करता है, तो बाप ही उसको कहता है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे कर। वो तो उसको कंधे पर भी चढ़ा देता है, सिर पर भी चढ़ा देता है। लेकिन टीचर, व्हेन यू आर ए स्टूडेंट, एक स्टूडेंट का आजकल देखिए किस तरह से स्ट्राइक होती है, और टीचर के बारे में कितने नारे लगाते हैं, क्या कुछ कहते हैं लोग। आपको कैसा लगता है, दुनिया को कैसा लगता है, टीचर्स को कैसा लगता है, सब लोगों को कैसा लगता है कि ये स्टूडेंट का लक्षण नहीं, ये कोई पढ़ाई का तरीका है। उनकी बुद्धि में वो विद्या जो आती है वो विध्वंसकारी विद्या है, विनाश की तरफ ले जा रही है सारी। जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं, उनमें से कई ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, और वो पढ़ाई में होशियार भी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। कई दफा वो जो शरारती लड़के होते हैं, वो पढ़ाई में बहुत होशियार होते हैं, फटाफट उनको याद होता है और इम्तिहान में बड़े अच्छे मार्क्स ले आते हैं, लेकिन जो काम वो करते हैं दुनिया का नुकसान ही होता है, हैं? वो तो मुसीबत हुसैन है, मुसीबत हुसैन पूरे पैदा हुई। हमने बताया ना, एक दफा पहले ही बताया था कि किसी को बेटा पैदा हुआ, जब से पैदा हुआ उसको कभी बिजनेस में लॉस, कभी मकान की छत टूट गई, कभी कुछ हुआ, कभी कुछ हुआ। तो बेटे का नाम क्या रखूं, उन्होंने पूछा, कहता है इसका नाम रख दो मुसीबत हुसैन, क्योंकि जब से ये पैदा हुआ है मुसीबत ही मुसीबत है मेरे ऊपर। तो जो ऐसा विद्यार्थी है तो वो तो मुसीबत हुसैन है। टीचर कहेगा ये कब खत्म हो और ये जाए जो शरारत करता है आपको मालूम। तो टीचर का, टीचर के प्रति स्टूडेंट का रिगार्ड कितना होना चाहिए। अगर वो रिगार्ड नहीं, मन में भावना नहीं, सम्मान की भावना नहीं, टीचर हमारे लिए वंदनीय है, हम उसको नमस्कार करते हैं, नमो नमः। हमारे लिए जो टीचर के प्रति इतना आदर नहीं रखता, विद्या कैसे उसको प्राप्त होगी।
विद्या के लिए तो कहा गया है भाई जो विनय जिसमें हो उसको ही विद्या प्राप्त होती है। तो विनय ही ना हो, नम्रता ही ना हो उस टीचर के प्रति, टीचर डांट देता है, कुछ कह देता है, तो उसमें अपना फायदा भला समझ करके इसके हमें पढ़ाने वाला है, ये हमें क्या करने वाला है। वो कहते हैं ना, ये शाम में विद्या न तपो न दानम, इस तरह से बताते हैं। तो जिसमें कुछ भी ना हो, ते मृत्यु लोके भूविभार भूता मानुष्य रूपेण मृगाश्चरण, वो पशु की तरह से है मनुष्य जिसमें ये चीजें नहीं है। तो वो हमें जो सिखाता है वो तो हमें पशु से मनुष्य बनाता है एक प्रकार से, तभी तो मनुष्यता आती है उसमें। तो ये अगर हमारा भाव नहीं है कि हमारा टीचर है, इसके प्रति हमारा रिगार्ड क्या होना चाहिए, तो कैसे हम वर्षा धारण करें। पहले पहले टीचर से वर्षा रेलने का लक्षण है रिगार्ड, फर्स्ट उसके प्रति समान सम्मान आदर भाव, उसके प्रति नम्रता उदंडता नहीं, और जो कुछ वो कहता है ये मेरे फायदे के लिए कहता है, मुझे सीखना है, मैं स्टूडेंट हूं, ये टीचर है, ये मुझे सिखाने वाला है, सिखाएगा मुझे, जो भी कहता है ये उससे मुझे शिक्षा लेनी चाहिए, और मैं विद्या प्राप्त करने वाला हूं, ये विद्या देने वाला है, तो मैं विद्या द्रविणम, तो वो विद्या देने वाला जो हमारा शिक्षक है उसके प्रति हमारे ये भाव होनी चाहिए। दूसरा रेगुलरिटी, कभी भी क्लास को मिस नहीं करना, मुरली को मिस नहीं करना, नॉट ए सिंगल डे इन आवर लाइफ, जीवन में वो कौन सा दिन था, कभी भी ऐसा दिन नहीं था जब हमने पढ़ा नहीं पूरी तरह से। और फिर पढ़ने का मतलब यह है कि जो उसने उसमें कहा उसका पालन नहीं किया, उस पर हम चले नहीं, क्योंकि पढ़ाई एक तो होती है थ्योरी, दूसरा होता है प्रैक्टिकल्स। तो थ्योरी भी और प्रैक्टिकल भी वो जो हमें पढ़ाता है, जैसे मान लो वो कहता है कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, यानी वो बताते हैं ना युधिष्ठिर को भी, पांडवों को कहा कि भाई सत्य बोलो, तो फिर दूसरे दिन पूछा, हाँ बच्चों ये आपको याद हो गया, पाठ पढ़ लिया आपने, सबने बोला हाँ पढ़ लिया, युधिष्ठिर से पूछा, उसने कहा अभी नहीं मुझे पढ़ा, अभी नहीं मेरी बुद्धि में पूरा धारण नहीं हुआ, तो सब लोग हंसने लगे, ये बड़ा भाई है हमारा और ये कहता है ये सत्य बोलो, इतना सा भी इसको नहीं समझ में आया, लेकिन सत्य बोलो कह देना तो आसान है, और कैसी भी परिस्थिति हो उसमें से सत्य बोलो ये कितना कठिन है। वो बताते हैं भाई चार व्यक्ति अपने एक शहर से दूसरे कहीं गए देश में कुछ बिजनेस करने के लिए, उनके साथ एक छोटा बच्चा था, तो वो माँ ने उसको कहा कि तू भी इनके साथ जा, थोड़ा बहुत सौदा तू भी करना सीख, कुछ कमाई करके ले आ, पिता उसके थे नहीं, उनके साथ उसको भेज दिया, कुछ पैसे उसको बांध दिए यहाँ पर अपने उसके, तो ले गया वो, तो रास्ते में मिले डाकू मिले तो उन्होंने सबको लूट लिया, कहा उन्होंने छिपाए हुए थे पैसे, किसी ने अंदर पॉकेट में, किसी ने धोती में बांधे हुए थे, जिसको जहां लगा छिपा के रखे हुए थे, तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने पूछ पूछ के निकालवाए सबसे, तो ले लिए। तो बच्चा बोलता है पैसे तो मेरे पास भी हैं, हालांकि वो डाकू है पैसे ले रहा है, कहता है पैसे तो मेरे पास भी हैं, उन्होंने उनसे पूछा तुम्हारे पास भी हैं, कहते हैं हाँ मेरे पास भी पैसे हैं, तो उसने कहा कि तुमने ये सच क्यों बोला, ये लोग जो हैं ये तो नहीं बोल रहे थे तुम्हारे पैसे, तुम्हें पता है हम डाकू लोग हैं, तुम अगर हम तो तुम्हें छोड़ रहे थे, ये बच्चा है इसके पास क्या होगा, तुमने खामखा हमको बताया डाकुओं को, तुम्हें ये मालूम नहीं, कहता है मालूम है तुम डाकू हो, और तुमने मेरे सामने ही तो लिए हैं उनसे ये पैसे, लेकिन तुमने पूछा है तो मुझे सच तो बोलना पड़ेगा, उन्होंने कहा सब जगह थोड़ी सच बोलना पड़ता है डाकुओं के सामने, जब वो पैसे ले रहे हैं तुम अपने पैसे कमाते हो, कहता है माँ ने मेरे को जब भेजा था ये कहा था, देखो हमेशा सच बोलना, झूठ कभी नहीं बोलना, और सच्चा सौदा करके आना, तो मैं माँ की मानूंगा या तुम्हारी मानूंगा, माँ ने मुझे ये पक्का करके भेजा था कि सच बोलना, तो उन्होंने छोड़ दिया उसको, पैसे भी दे दिए और उसकी वजह से सबके पैसे लौटा दिए, कहता है ये बच्चा जिनके साथ है ये सत्यवादी, तुम भी अच्छे लोग ही होगे, माँ इसकी माँ ने अगर तुम्हारे हवाले किया है, तुम अच्छे लोग होगे, तभी इसकी माँ ने इस छोटे बच्चे को तुम्हारे साथ भेजा है,
मालूम होता है तुम अच्छे लोग हो, तुम्हारे से पैसे लेना ठीक नहीं, तुम वापस ले जाओ। उस एक सत्यवादी की वजह से सब लोगों के पैसे डाकू ने लिए हुए, सब लूटे हुए वापस लौटा दिए। ऐसी चीज है सत्य, है सत्यमेव जयते नानृतम। लेकिन हम जल्दी से घबरा जाते हैं कि झूठ से ही जय होगी और आदमी टल जाएगा, सत्य से नहीं। जब आगे पीछे हम यही कहते हैं, ये सारे लोग जो हैं पार्लियामेंट के, हमारा जो देश का सिंबल है उसके नीचे तो यही लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, और बोलते कोई सत्य बोलता है उनमें से? सुबह से लेकर शाम तक 24 झूठ बोलती, 24 घंटे में एक घंटे में एक झूठ तो एवरेज बोलते ही होंगे, 24 तो कम से कम बोलते होंगे, क्या फायदा होगा? तो जो शिक्षक से पूरा बरसा वो स्टूडेंट लेगा जो रेगुलर होगा, और रेगुलर के साथ साथ जो वो पढ़ाई जाएगी उस पर पूरा अटेंशन देगा, ध्यान देगा, क्योंकि स्टूडेंट है वो। स्टूडेंट का नाम ही, काम ही ये है कि शिक्षा को प्राप्त करना, शिक्षा अर्जन करना, अर्जित करना। फिर जो उसको मैंने कहा था होमवर्क मिलता है, होमवर्क करेगा। ये नहीं कहेगा आज मेरे घर में मेहमान आ गया था, मैं उसी काम में बिजी था, मैंने लेसन लिखा नहीं या रिवाइज किया नहीं या याद किया नहीं, टाइम मिला नहीं। नहीं, ये बहानाबाजी नहीं चलेगी। वो कहावत है संस्कृत में, विद्यार्थी नाम कुतो सुखम, सुखार्थी नाम कुतो विद्या। जो विद्यार्थी है वो अगर सुख से ऐश परस्ती से सोता रहे वो विद्यार्थी नहीं हो सकता, और जिसको आराम करना है तो वो विद्यार्थी नहीं हो सकता। ये समझ लो, पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। ये विद्यार्थी जीवन जो होता है ये मेहनत का जीवन है, पढ़ाई का जीवन है, पढ़ाई पर अटेंशन देना पड़ता है। जो पूरा अटेंशन देंगे वही ऊंची पढ़ाई पढ़ेंगे, दूसरे नहीं पढ़ पाएंगे। तो हम लोग सारे दिन में कितना पढ़ते हैं, आधा घंटा घंटा सुबह मुरली चली पढ़ लिया, बस पढ़ लिया। कभी किसी स्कूल और कॉलेज में इसको स्टूडेंट कहा जाता है जो एक घंटा पढ़ता हो? वो तो ग्रंथी हैं जो ग्रंथ साहब पढ़ते हैं, या कोई रामायणी है रामायण पढ़ते हैं, या कोई गीता का पाठ करते हैं, आधा घंटा घंटा उनका नियम बना हुआ है, नेमी नाथ है, वो करके खत्म हो जाता है। जो स्टूडेंट है, कोई नोटबुक, कोई राइटिंग, कोई तैयारी, कोई ऐसे लिखना, कोई कई चीजें होती हैं जो भी उसको करना है, पूरी प्रेपरेशन करे, सुबह से लेकर कपड़े धोना, खाना बनाना, सफाई करना, खाना खाना, ये करना वो करना, सब कुछ करना, पढ़ाई कुछ नहीं पढ़ना, पढ़ ली सब, जो कल पढ़ी हुई थी वो आज पढ़ी हुई है, जो आज पढ़ी हुई है वही चलती रहेगी आगे। आज नया हमने क्या पढ़ा, आज का पाठ क्या है, वो हमने पढ़ा, उसको रिवाइज किया, उसका मनन किया, उसका निध्य ध्यासन किया, उस पर होमवर्क किया, सुबह से लेकर शाम तक जो हमें होमवर्क मिला वो हमने किया, बस सुन लिया, ये वरदान आज का ये है, आज का स्लोगन ये है, नोट कर लिया कॉपी, बस फिनिश हो गया, ओम शांति, कॉपी बंद हुई, ओम शांति, चलो जी। ये दिस इज नॉट स्टूडेंट लाइफ। तो स्टूडेंट लाइफ हो और ज्ञानमय जीवन हो। हमारी पढ़ाई, अगर हमारी हमारी पढ़ाई के क्या साधन है वही हमें नहीं मालूम, हमें पढ़ाई में क्या क्या चीज चाहिए वही नहीं है हमारे पास। हमारे पास अव्यक्त वाणियों की पुस्तकें नहीं है, बाबा की जीवन कहानी नहीं है, दिव्य गुणों की धारणा के बारे में नहीं है, मेलों के बारे में हमारे पास नहीं है। हमारा अपने जो विद्यार्थी जीवन की पुस्तकें हैं वही अगर हमारे अपने पास, हमारे कमरे में नहीं है, हमारे बस्ते में नहीं है, क्या हमारा विद्यार्थी जीवन है? सारा जबानी जमा खर्च है और लिखा पढ़ी में कुछ नहीं है, सब जबानी जमा खर्च है सुबह से शाम तक, तो ये कोई विद्यार्थी जीवन नहीं है। कहीं आपने अंडरलाइन किया हुआ है, कहीं कोई निशान लगाया है, कोई नोट किया है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, उसको बुद्धि में बिठाया है ठीक तरह से? तो ये इस तरह से पढ़ना, पहली चीज जो मैंने कहा भाई, रोज प्रतिदिन पढ़ना, रेगुलरिटी। क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर कोई रेगुलर आने वाला स्टूडेंट फेल होता है तो ये जिम्मेवारी टीचर की होती है। चाहे डल से डल स्टूडेंट हो, अगर वो फेल होता है लेकिन आता है क्लास में रोज, तो उस टीचर से पूछा जाता है कि ये स्टूडेंट कैसे फेल हो गया, इसकी रजिस्टर में, अटेंडेंस रजिस्टर में तो रोज की हाजिरी है, फिर ये फेल कैसे हुआ? अगर वो कहे जी ये डल है, इसकी बुद्धि नहीं है, बेअकल है, बेअकल है, तो उसके साथ टाइम लगा के उसको उस तरीके से। तो आप देखिए कि हमको बाबा रोज
वही की वही बात जो लोग कहते हैं ना रिपीट करता है, उस तरीके से बाबा बताते, बार बार रिवाइज कराते हैं, बार बार रिपीट कराते हैं, याद करो जैसे दो दोने चार, दो तीन छह, ऐसे नहीं वो बच्चों को पढ़ाते हैं बार बार जब तक उनको कंठ हो जाए, याद हो जाए, ऐसे ही बाबा हमको रिवाइज कराता है। चाहे हम कितने बड़े हो गए हैं लेकिन इस नई पढ़ाई के हिसाब से तो छोटे बच्चे ही हैं, इसको कहां अभी हमने पूरा धारण किया है। तो इसमें रेगुलरिटी जरूरी है और ओबीडियंस जरूरी है। ओबीडियंट नहीं अगर हम होंगे टीचर के तो भी हमारा वो पूरी तरह से, यानी जिसको आज्ञाकारी या फर्मा बरदार जिसको कहा जाए, पूरा अगर हम फॉलो नहीं करते तो फिर हमको टीचर से पूरा वर्षा मिलेगा। अब टीचर कहता है बोर्ड पर लिखकर दिखाता है ऐसा लिखो, जो फॉलो करता है उसका हैंडराइटिंग अच्छा होता है, जो नहीं फॉलो करता वो मालूम ही नहीं ये तमिल लिख रहा है या पंजाबी लिख रहा है या हिंदी लिख रहा है, उसके सारे ही जलेबी अक्षर मालूम पड़ते हैं, कोई ये नहीं पता लगता ये किस भाषा का अक्षर इसने लिखा है, ये अरबी भाषा का है या यूनानी भाषा का है या मुल्तानी भाषा का है, कहाँ का है कोई पता नहीं। तो वो जो टीचर जिस तरह से दिखाता है बताता है उसको वैसे करना चलना उस तरीके से, ये जरूरी है। तो ये टीचर से वर्षा लेने की ये बात है।